मैं देखूंगा आप दोनों बहने हैं, बस यही डाली है ना पूरे गांव में, और कोई उठता ही नहीं है। राजनाथ सिंह, इसके लिए क्लैपिंग करो। देखो सारे मिनिस्टर्स के नाम भी इसको पता है, अब फाइनेंस मिनिस्टर का नाम भी पता है, अरुण जेटली जी का नाम सुने नहीं सुने, चलो अच्छी बात। ताकि हमें एक रोड मैप मिल जाए कि हम लोग अपने इनकम कैसे डबल कर सकते हैं 5 साल में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा देश और यहाँ की कृषि जो भी हमारी आर्थिक व्यवस्था है, इकॉनमी, वो लगभग 60 से 70% जो है वो कृषि की वजह है। हमारे देश की जो इनकम है, आय है, और लोगों को जो रोजगार मिलता है, रोजी रोटी मिलती है, वो उसका लगभग 60 से 70% जो है वो कृषि से संबंधित लोगों को, उस काम में, उस कृषि के क्षेत्र में ही लोगों को रोजगार रोजी रोटी मिलती है। कृषि अब जो है सिर्फ पहले वाली कृषि नहीं रही कि पहले कृषि क्या होता था, हमने 2 फसलें उगा दी और कृषि कृषक बन गए, किसान बन गए। अब कृषि को इसका नाम बदल के बना दिया गया है कि कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित। और उसका सिंपल सा उदाहरण है हमारे साथ का मिलता हुआ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वहां पर किसान बहुत समृद्धि कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पशुपालन है, पशु पाल रहे हैं, तो इनसे ज्यादा से ज्यादा कैसे इनकम लें, हम खेती में कैसे उत्पादन ज्यादा करें, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा किस फील्ड में मिलेगा, हम किस किस चीजों की खेती करें, किस तरीके से खेती करें, ये सब चीजें जो है हमारे साइंटिस्ट जो है उसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो सारे के सारे अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो, इसलिए हमने यहाँ एक संगोष्ठी रखी है कि किसान थोड़ा सा जागरूक हो। और मैं नेहरू युवा केंद्र वालों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया है जहाँ गांव में, और इस मंच के माध्यम से डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सारी जो स्कीम्स हैं, या डिपार्टमेंट किस तरीके से गांव वासियों की हेल्प कर सकता है उनकी इनकम जनरेशन में, तो मैं उसी के उपलक्ष्य में आपको कुछ चंद बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे डिपार्टमेंट में जो स्कीम्स चल रही हैं जिनका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा के अपनी इनकम को और आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली स्कीम है DEDS, डेयरी इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या है कि आप बैंक के थ्रू लोन ले सकते हैं, उसमें SC ST को 33% सब्सिडी है और जनरल वालों को 25% सब्सिडी है। उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लोन लेना चाहते हो, आप 10 लाख तक, 20 लाख तक, जितना आप चला सकते हो डेयरी फार्म, उस लेवल का आप लोन ले सकते हो। और डिपार्टमेंट को आपको उस लोन को रन करने के लिए, उस डेयरी फार्म को रन करने के लिए आपको पूरी की पूरी हेल्प दी जाएगी। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक सिंपल सा फॉर्म है और 4-5 क्या बोलते हैं उसको छोटी छोटी, वो आपको पूरी करके डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। और वो जिस बैंक को आप अप्लाई करोगे, जैसे आपने J&K बैंक को किया या SBI को किया, डेयरी फार्म जो है वो अच्छे से रन कर सकते हो। इसी के साथ साथ DEDS के साथ पोल्ट्री वेंचर कैपिटल है, जैसे कोई डेयरी का काम करना चाहता है, कोई पोल्ट्री का, तो पोल्ट्री में हमारे पास स्कीम है, उसमें भी यही सेम ही है, 33% सब्सिडी है SC ST के लिए, 25% सब्सिडी है जनरल वालों के लिए। तो आप इस, अब दो चीजें होती हैं, अगर हमने अपनी इनकम पैदा करने के लिए इसको हम कम कर लें। नेहरू युवा केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आ रहा है आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम, आप हॉर्टिकल्चर से आए और क्या 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 लोगों को जानकारी देना चाहते हो, जिससे लोगों को, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो आगे बढ़ सके, काम कर सके। देखो जी,
जो पहले होता था लोगों के पास जमीनें खुली होती थी, फैमिली छोटी होती थी, लेकिन जैसे जैसे ये फैमिली का साइज बढ़ने लगा तो वही जमीन उतनी ही रही, तो ये मतलब कि उसके बंटवारे होना शुरू हो गए। जैसे किसी के पास अगर 10 कनाल जमीन थी तो 4 लड़के हुए तो ढाई ढाई कनाल सबके पास आ गई और उनके आगे भी कम होती गई। तो इसके लिए अब क्या है कि जमीन तो बढ़ नहीं सकती, तो अब हमें क्या है कि अब हमारा मैक्सिमम जोर जो है वो प्रोडक्शन की तरफ है कि प्रोडक्शन उसी जमीन में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन मतलब ज्यादा करने के दो ही तरीके हैं, एक तो ये है कि हम और जगह पे पेड़ लगाएं, और एक जगह एक ये तरीका है कि हम क्या करें कि उसी कम जगह में ही ज्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हमारे जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी प्रोडक्शन होगी। अब ज्यादा जगह तो हम कर नहीं सकते, तो अब डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि हम क्या करेंगे, हाई डेंसिटी प्लांटेशन करेंगे, जिसमें हम पहले जैसे 20 कनाल में 100 अगर पेड़ लगाते थे आम के, तो अब हम क्या करते हैं 20 कनाल में 500 पेड़ आम के लगाते हैं, ताकि वो मतलब हम क्या करें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अच्छी वैरायटीज के पेड़ लगाएं, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। सर, युवाओं के लिए क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर में, ताकि ग्रामीण जो युवा है वो इस हॉर्टिकल्चर का फायदा ज्यादा से ज्यादा ले सके, और उनको कोई सब्सिडी का कोई इस तरह का कोई आपकी तरफ से? डिपार्टमेंट की हर एक स्कीम की तरफ से, जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन की स्कीम है तो उसमें जो डिपार्टमेंट है वो 30,000 रुपया सब्सिडी दे रहा है, 20 कनाल के लिए 30,000 रुपया सब्सिडी दे रहा है, जिसमें वो प्लांट्स भी खरीद सकता है। और मतलब कि जो वो प्लांटेशन करेगा, जो प्लांट्स लगाएगा, उसके लिए पानी का जो है वो 1,80,000 रुपया हम इसके बोरवेल के लिए दे रहे हैं, और अगर किसी का पुराना आर्चर है तो उसके लिए हम उसको रिज्यूविनेशन के लिए दवाई या खाद वगैरह और जो भी हमारी टेक्निकल हाउ नो होती है वो देंगे। सर, ये तो हो गया नेहरू जो केंद्र की ओर से कार्यक्रम कराया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर से ऐसा क्या क्या पहल की जा रही है ताकि इस तरह से कार्यक्रम कराए जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से कैंप लगाता है तो लोगों को जानकारी देता है, और बाकी जो मतलब कि जो हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, जो हमारे फील्ड के वो हैं फंक्शनरीज हैं, वो भी लोगों को जाके बताते हैं कि हाँ भाई जितने ज्यादा आप पेड़ लगाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल प्रोडक्शन जो है वो हमें हॉर्टिकल्चर से ही मिल सकती है। जैसे हम मतलब कि जो हॉर्टिकल्चर का एरिया अगर है वो पूरे हम पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो 7% पे है, लेकिन जो प्रोडक्शन या उसका नेट प्रॉफिट है वो पूरा जितना एग्रीकल्चर में सकता है 25% जो है वो हॉर्टिकल्चर। तो इसका मतलब ये है कि हॉर्टिकल्चर ही एक ऐसा अब फील्ड रह गया है जिसमें हम क्या करेंगे मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन ले सकते हैं, मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं छोटी सी जगह से। धन्यवाद सर। सर, नाम क्या आपका? सर, दोबारा बोलिए। विशाल मंगोत्रा। क्या पोस्ट आपकी? हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर कठुआ। सर, देखा जा रहा है पिछले 15 तारीख से लेकर 28 तक आपकी तरफ से धराणा में आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो किन किन विभागों को यहाँ बुलाया जा रहा है, लोगों को क्या क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, जो गांव को विकास के लिए दो तीन एस्पेक्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें एक सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है और स्किल डेवलपमेंट है। तो आज हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, आह्वान किया है कि हम किसानों की इनकम जो है वो डबल करने का प्रयास कर रहे हैं 2022 तक। तो आज हम उसी संदर्भ में कि किसानों का जो इनकम डबल जो है वो 2022 का जो रोड मैप है वो कैसे तैयार किया जा सके, तो इसमें हमने एग्रीकल्चर विभाग, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, बागवानी विभाग, फ्लोरिकल्चर, कृषि विज्ञान केंद्र, ऐसे डिपार्टमेंट्स को यहां बुला रहे हैं ताकि वो लोगों को और किसानों को नौजवानों को बताएं कि कृषि के माध्यम से और जो आधुनिक तरीका है कृषि का उसके माध्यम से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसमें ले सकते हैं। गांव द्राणा में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है नेहरू युवा केंद्र की ओर से, क्या क्या कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और क्या क्या जानकारी दी जा रही है? इतने जानकारी जो भी दिल रही है वो लोगों के खासकर साढ़े ग्रां बच्चे जिंदा लोग ज्यादा ने उन्हें किसान भराएं ज्यादा को ज्यादा जानकारी मिला रही है कि कहीं अपनी फसल जी है वो ज्यादा को ज्यादा उसे उपज हो दवाइया ठीक ढंग मिलना और बाकी सारे जिन्हें भी
नवी नवी स्कीम गवर्नमेंट कड़ा दी है उन्हें मिलनी चाहिए है सारी जानकारियां। और दूसरी जी है रूरल डेवलपमेंट खास करना है रूरल डेवलपमेंट ज्यादा जानकारी ये है कि साढ़े देश के स्वच्छ अभियान जो चलाया है उसके बारे में ज्यादा जानकारी दी है कि हर घर के शौचालय बनाना चाहिए ताकि गंदगी जड़ी है गांव साफ सुथरा होना चाहिए बीमारी दूर होनी चाहिए पानी साफ सुथरा मिलना चाहिए पीने पानी साफ सुथरा रखना चाहिए रूरल डिपार्टमेंट तरफा पी एच ई तरफा जिन्हें भी डिपार्टमेंट है सारे जानकारी तो देखा गया कि बीएसएनएल विभाग भी यहाँ पे आया है लोगों को अपनी तरफ से जानकारी देने के लिए बीएसएनएल की तो क्या क्या कहेंगे उसको लेकर बीएसएनएल जानकारी आया है आगे की जी बी एस एन एल सर्विस है बहुत ज्यादा गंदी सर्विस है जो बाहर लोग साढ़े तक ग्राएं सर्विस करते हैं जो टीचर हो डॉक्टर हो कोई भी है मेडिकल वाले हो जिन्हें भी नाम जानते हैं वो बिल्कुल इतना आने परेशान हो जाए कि इतने जो सर्विस है बिल्कुल बड़ी गंदी सर्विस है उनके फोन लगातार मिलते गए नहीं है अगर मिलते भी हैं तो गल से ढंग नहीं होती इस वास्ते असं बी एस एन एल रिक्वेस्ट करने कि इस सर्विस की थोड़ा सुधार आ जाए सर्विस ठीक हो तो लोगों की परेशानी नहीं होए। और मैं नेहरू युवा केंद्र के जिन्हें भी हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहना उन्होंने साढ़े ग्रांत प्रोग्राम रखा लोगों की बहुत सारी जानकारी दी और दया करते हैं आने वाले दिन और जानकारी मिलेंगी हर डिपार्टमेंट के जानकारी देंगे चाहे कृषि हो चाहे युवा हो पी एच ई हो मेडिकल हो चाहे दिल्ली खाती बोर्ड हो हर हर डिपार्टमेंट तरफ जानकारी देने मैं सारे का धन्यवाद करना।